और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस कीवर्ड के बारे में कि इस कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं कॉटलिन में। बेसिकली ये जो इस कीवर्ड है ये सर्टेन टाइप को जानने के लिए इसका यूज होता है कि ये इस टाइप का डेटा टाइप है या नहीं है। मैंने आईडी ओपन कर रखी है, इंटेलिजी आईडी है, आप कहीं पर भी इसको रन कर सकते हैं, जो कंपाइल कर सके कॉटलिन प्रोग्राम को उस आईडी को आप यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल x, इसका टाइप हम एनी कर लेते हैं। एनी करने से क्या होता है, इसमें हम किसी भी टाइप का जो है डेटा जो है, किसी भी टाइप का वैल्यू जो है असाइन कर सकते हैं, चाहे वो इंट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, और चाहे वो बूलियन हो, इसी तरीके से चाहे वो डबल हो या फ्लोट हो। तो मान लेते हैं एक वैन एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एक्स को पास कर देते हैं इसमें, ये आ गया। तो इज इंट, अगर ये इंट है तो क्या करना है, प्रिंट कर दीजिए। डॉलर लगा के वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, ये आपको मालूम है। प्रिंट, ठीक है, ओके। अगर नहीं है या फिर ये कहें अगर इज स्ट्रिंग है, नॉट इसका भी यूज कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। प्रिंट एलएम, प्रिंट एलएम कर लेते हैं, न्यू लाइन के लिए होता है प्रिंट एलएम। प्रिंट और प्रिंट एलएम में यही फर्क है, प्रिंट केवल प्रिंट करता है, प्रिंट एलएम प्रिंट करता है, उसके बाद एक न्यू लाइन के लिए आपको असाइन कर लेते हैं। डॉलर एक्स इज स्ट्रिंग, और अगर स्ट्रिंग है तो हम ये भी पता कर सकते हैं डॉलर एक्स डॉट लेंथ, उसकी लेंथ कितनी हुई बता। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस लेने पड़ेंगे, तभी ये एग्जीक्यूट होगा, यानी डॉलर कर्ली ब्रेसेस उसके अंदर एक्स डॉट लेंथ। यहाँ पे भी कोई ना कोई ऑपरेशन हम लोग दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर कर सकते हैं या एक्स प्लस वन कर सकते हैं, वही अपना डॉलर कर्ली ब्रेसेस के बीच में एक्स इंटू टू, ठीक है। तो वो वैल्यू अब इसको मैं एक बार रन करा के देते हैं, इसको वैल्यू को चेंज करके टू कर देते हैं, ओके, रन करते हैं। टू इज एंड और इसका इसमें ऑपरेशन हुआ, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई टू से करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू टू थी, टू इंटा टू फोर होता है, ये आपको पता है, ये आ गया। अब अगर इसकी वैल्यू हम चेंज करके स्ट्रिंग कर देते हैं, सपोज इसको इंडिया कर देते हैं, फिर रन करते हैं, इंडिया इज स्ट्रिंग एंड ये एक्स डॉट लेंथ, इसकी लेंथ जो है वो पांच है, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। नॉट इज का भी यूज कर सकते हैं, नॉट इज का यूज करने के लिए सपोज यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको नॉट इज यहीं पे लगा देते हैं। If, ये नॉट इज हो गया, अगर वैल्यू इंट नहीं होगी तो एक्स इज नॉट इंट, क्योंकि जब इंट है ही नहीं तो हम इस पर ऑपरेशन ले ही नहीं सकते, इसीलिए यहां पे एरर भी आ रहा है, इसको हटा देते हैं, ज्यादा सेफ है। India is not end, ठीक है ना, ये। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।